हेलो बच्चों, मैं हूँ अजय सर और आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है और क्लास 7th में भी वेलकम है। तो चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 1 देखते हैं जो कि है नंबर रिवीजन। नंबर रिवीजन में बेसिकली हम जो प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ के आए हैं उन्हीं का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेगा। तो आइए कुछ रिवाइज कर लेते हैं। आपको प्लस माइनस करना तो आता ही होगा, तो यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं प्लस कैसे करेंगे। देखिए ये 10 प्लस 12, ये इजीली आप इसको प्लस कर सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 22। बट ये ऐसे रहता 10 माइनस 12, तो ये माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बिगर वाला नंबर निगेटिव है ना, तो आंसर भी हमारा निगेटिव में आएगा। मीन्स अब 12 में हम माइनस करेंगे 10, तो 2 आता, बट यहाँ पे सामने में माइनस का साइन है तो -2। बट यही क्वेश्चन कुछ ऐसे ही रहता। अब देखिए बिगर नंबर हमारा पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 12 में माइनस करेंगे 10, तो ये हमारा आंसर कुछ आएगा 2। इसी तरीके के टर्म्स हम और भी देखेंगे। अब देखिए इंटू करने रह गई इसमें, देखिए -10 का इंटू कर देंगे हम -8 से, तो ये हो जाएगा हमारा -80। बट यहाँ पे देखिएगा -8 का मल्टीप्लाई करते -8 से, तो देखिए माइनस माइनस का साइन का मल्टीप्लाई होता तो ये हो जाता प्लस, और 8 8 जा 64, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन और हम देखेंगे आगे, प्लस करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, अब आइए बच्चों एक और टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। ये साइन आपने प्रीवियस क्लासेस में यूज़ करना देख लिया है, ठीक है। इन्हीं सारे साइन का यूज़ करना हम इस क्लास में भी हम देखेंगे। 7th क्लास में भी जो चैप्टर 1 है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें आपको ये लेस देन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, इक्वल का साइन कब और कैसे यूज़ करना है, तो थोड़ा सा ये यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये वाला साइन तब हम यूज़ करेंगे जब हमारा फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से बिगर होगा। सपोज़ यहाँ पे एक नंबर 10 है और एक नंबर 8, तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर से बिगर है, तब हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे और इसको रीड करेंगे 10 इज़ ग्रेटर देन टू 8। बट ये जस्ट अपोजिट रहेगा, हमारा जब फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से स्मॉलर होगा। अब ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर, तो देखिए 8 हमारा स्मॉलर हो गया 10 से, तब हम लेस देन का साइन यूज़ करेंगे और इसको रीड करेंगे 8 इज़ लेस देन टू 10। बट जब हमारा बोथ नंबर इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर भी 8 है यहाँ पर भी 8 है, जब बोथ नंबर इक्वल रहेंगे तब हम इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए ये स्टेप के फ्रैक्शन को आपने प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व करना देखा ही होगा, तो आइए यहाँ पे और एक बार समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 से और इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 से, तो देखिए ये है 2 से, तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 2 ज़ा 8, और इनका आपस में लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 8 ज़ा 32। इनको ऐड करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा 24 प्लस अपॉन 32। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेना, पहले 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और ये हो जाएगा 2 16 ज़ा, फिर से ये 2 से हो जाएगा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर से 2 से हो जाएगा तो 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, तो लास्ट में हमारे पास आंसर आ रहा है 3 अपॉन 4, ठीक है। आइए ये सेकेंड वाला देख लेते हैं अब, तो सेकेंड वाला क्या है हमारा 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 5, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10, और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और इनका आपस में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, ठीक। अब देखिए ये 12 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22 अपॉन 15। आगे ये दोनों नंबर जो हैं किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते हैं तो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। आइए ये थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है हमारे पास, देखिए 4 अपॉन 7 प्लस माइनस 2 अपॉन 5, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 ज़ा हमारा 20, और देखिए यहाँ भी प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा ही होगा। तो देखिए इस
सेवन का मल्टीप्लाई एक्चुअल में माइनस टू से होगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 14 अपॉन, ये हो जाएगा 7 5 35। देखिए 20 में माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 अपॉन 35, यही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। यही एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, देखिएगा। यहाँ पर अभी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 8 2 16, 4 का मल्टीप्लाई 2 से, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस साइन यूज़ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8, और लास्ट में इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। अब 8 में माइनस का सॉरी 16 माइनस 8 तो ये हमारा 8 हो जाएगा, और ये अपॉन में 32। और देखिए 8 के टेबल में 32 आता है तो अपन काट सकते हैं, ठीक है, या 2 के टेबल से काट लेना, पहले आप 2 4 ज़ा एंड 2 16 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो हमारे पास लास्ट में एक आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 4। आइए सेकंड वाला देखते हैं, इसमें भी अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, माइनस का साइन है माइनस, 3 4 ज़ा 12 अपॉन, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए यहाँ पे एक 10 है, वो भी 10 हमारा पॉजिटिव है और एक है 12 हमारा निगेटिव है। देखिए यहाँ पे साइड में देखिए, जब भी ऐसा केस आएगा एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर निगेटिव, तो आप पहले देखना कि बिगर नंबर वाला हमारा बिगर नंबर कौन सा है। तो देखिए बिगर नंबर तो हमारा ये 12 है, अब देखिएगा उसमें साइन क्या है। तो बिगर नंबर हमारा पॉजिटिव होगा तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, बिगर नंबर निगेटिव होगा तो आंसर भी निगेटिव के फॉर्म में आएगा। बट हमारे इस वाले कंडीशन में बिगर नंबर हमारा निगेटिव है जो कि 12 है, तो हम साइन लगा लेंगे माइनस का। अब क्या करना, सिंपली 12 में माइनस कर देना आप 10 को, आंसर क्या आएगा 2 आएगा, तो इसलिए इसको रीड करेंगे माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आएगा, यहाँ पर भी यही माइनस 2 अपॉन 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए ये लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 7 जो होता है हमारा 35। देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का जब इनटू होता है तो वो हो जाता है प्लस, तो माइनस माइनस हो जाएगा एक्चुअल में प्लस, और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, और ये हो जाएगा हमारा 15। तो इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 41 अपॉन 15। देखिए 41 और 15 किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। आइए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। आपने मल्टीप्लिकेशन भी करना है, फ्रैक्शन का देखा ही होगा, या एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन 9। देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मीन्स 2 का 3 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से तो ये हो जाएगा 7 9 ज़ा 63, ठीक है। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। आइए अपन ये सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारा -3 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 9। यहाँ पे भी सेम करेंगे हम, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे ये -3 है ना, तो -3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से तो ये हो जाएगा -12, और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो ये हो जाएगा हमारा 49। अब देखिए ये दोनों 3 के टेबल से कट जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12, और ये हो जाएगा हमारा 3 1 ज़ा 1 कैरी हो जाएगा 3 5 ज़ा, मीन्स -4 अपॉन 15, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड वाला देख लेते हैं, जो कि है -4 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन -5। न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मीन्स ये हो जाएगा हमारा -12, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से तो ये हो जाएगा -35। तो पहले माइनस माइनस का साइन कट जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा हमारा 12 अपॉन
35, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होने वाला, तो यही एक्चुअल में हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया हो। आइए देखते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। अब अपन फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में तो एज इट इज़ लिखते हैं अपन 2/7 डिवाइडेड बाय 3/14। देखिए इस कंडीशन में इसको अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो जब अपन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में, तो ये फ्रैक्शन जो है ना वो चेंज हो जाएगा, जो 3/14 है वो चेंज हो जाएगा 14/3 में। ये एज इट इज़ रहेगा 2/7, हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये 3/14 था फ्रैक्शन, वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा 14/3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनटू का साइन है तो हम काट सकते हैं, जो कटेगा 7 × 7, 7 × 2 = 14, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 2 × 2 = ये हो जाएगा हमारा 4 और 1 × 3 = 3, तो ये एक्चुअल में हमारा आंसर आ गया। देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन, तो सेकेंड भी हम कुछ ऐसे ही बनाएंगे, −2/9 डिवाइडेड बाई 8/99। यहाँ पर भी हम अभी इस डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस डिवाइड के साइन को एक्चुअल में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, −2/9 इंटू, देखिए ये डिवाइड के साइन को हमने चेंज कर लिया मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 99/8। देखिए अब जो कटेगा उसको पहले तो काट लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 9 × 1 = 9, 9 × 11 = 99, तो ये हमारा एक्चुअल में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो −11, और 1 का 4 से करेंगे तो 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा −11/4। देखिए थर्ड वाला, थर्ड है हमारा 13/22 डिवाइडेड बाई 39/66, तो डिवाइड के साइन को हम इनटू के साइन में चेंज कर लेंगे, 13/22 इनटू चेंज किए तो ये हो जाएगा 66/39, 13 × 13 = 13, 13 × 39 = 22, 22 × 22 = 23, तो ये हो जाएगा हमारा 3/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। आइए बच्चों चैप्टर 7 से एक्सरसाइज 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ सूटेबल साइंस। देखिए ये साइन के बारे में अभी हमने पढ़ लिया है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल का, ये सारे साइन। तो देखिए यहाँ पे हम कौन सा साइन कब और कैसे यूज़ करेंगे, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो है हमारा −2 × 9, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा −18, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा −27। देखिए ये सपोज हमारा 0 पॉइंट है, ठीक है, तो 0 पॉइंट के इधर नेगेटिव नंबर और इस साइड पॉजिटिव नंबर, तो जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में जब बढ़ेंगे तो पहले हमारे पास आएगा −18, देन −27 आता ना, इसलिए हमारा जो बिगर नंबर है ना यहाँ पे, क्योंकि जो −18 है वो 0 के क्लोज में है, इसलिए हमारा जो −18 है वो बिगर हो जाएगा −27 से, तो इनके बीच में साइन लग जाएगा ग्रेटर देन का, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। आइए सेकेंड वाला चेक करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाला हमारा क्या है, 3 × −5 × −2, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 30, मीन्स ये तो हो गया 30 और एक हो जाएगा हमारा −30, ठीक है। तो आपने को मालूम है पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन टू नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे जो +30 है वो बिगर हो जाएगा -30 से, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा जो साइन लगेगा वो लगेगा ग्रेटर देन का। देखिए नेक्स्ट वाला, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 36, देखिए 2 × 2 = 4 करेंगे और 4 × 9 = 36, दोनों इक्वल आ रहे हैं, जब प्लस माइनस माइनस साइन पे जब मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल में वो भी प्लस हो जाएगा, तो ये जब इक्वल हैं तो इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। अब देखिए ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे −6 से तो −12, और −12 का करेंगे 0 से तो वो 0 हो जाएगा, ठीक, ये तो हो गया 0, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा −12। तो अपने को मालूम है 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन टू निगेटिव नंबर,
मीन्स जीरो जो है वो हमेशा सारे निगेटिव नंबर से बिगर होता है, तो यहाँ पे जो साइन यूज़ होगा वो हमारा साइन यूज़ होगा ग्रेटर देन का। ठीक है, एक लास्ट वाला देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 5 8 जा 40, 40 और 2 80, ये 80 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो 30 है वो 80 से लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे लेस देन साइन यूज़ करेंगे। आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर 6 तक के, इनके प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं हम। ये हमारा है -8 × 5 × 4। तो देखिए 5 4 जो होता है हमारा 20, और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो इसका आंसर आ जाएगा -160। ठीक है, -9 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करेंगे तो आंसर हमेशा 0 में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा -42, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 18, और 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम -42 से, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा -756। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, जो कि है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। तो पहले आप क्या करना, इस 5 का मल्टीप्लाई कर देना 7 से, तो ये हमारा हो जाएगा -35, और ये हो जाएगा हमारा -75। इनका जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2625। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला देखिए आप क्या करना, पहले ये -30 है तो 25 -25 का आप मल्टीप्लाई कर देना 8 से, तो ये हो जाए होता है हमारा -200। ठीक है, अब माइनस माइनस तो एक्चुअल में हो जाएगा प्लस, 2 × 3 6, और ये 000 मतलब 6000। ठीक है, ये लास्ट वाला देखिएगा आप क्या करना, इनका इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना, या इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते, ये माइनस हमारा 8, और देखिए 12 × 12 12 2 12 36 12 3 36, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब 360 का मल्टीप्लाई कर देना आप 8 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2880, ये हमारा आंसर होगा।